चलिए वेवी कर्व मेथड में आगे हम देखते हैं और क्या क्या कंडीशंस आती हैं, क्या क्या सिचुएशन आते हैं जहां पे आपको वेवी कर्व से आप किसी एक्सप्रेशन का इंटरवल निकालते हो। बेसिकली वेवी कर्व बहुत जगह यूज होता है और यहाँ पे मैंने जो एग्जाम्पल लिए वो सारे एक्स के लिए हुए हैं, लेकिन आपको कई बार ना एग्जाम में जैसे कि आईआईटी में मोस्टली ऐसे होता है कि मान लीजिए मुझे बोला है वेवी कर्व से एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मुझे ऐसे निकालना है, तो हम जनरली इसको जैसे बोलते हैं एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। इसको वेवी कर्व से कैसे निकालना है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये जो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, जैसे कि हम यहां से स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हम बोलते हैं। नाउ दिस इज नॉट द कंप्लीट आंसर। होता क्या है कि अगर ये इन इक्वेशन नहीं होता और सिर्फ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 होता तो मुझे मालूम है एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2 आना चाहिए। अब पॉजिटिव साइड तो हमने ले लिया, लेकिन नेगेटिव साइड हमने लिया नहीं है। तो देखिए वेवी कर्व से हम उस चीज को निकालते हैं, मुझे कंप्लीट आंसर चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 करते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। वेवी कर्व हमें कहता है कि इसको मैं क्या करूंगा, फैक्टराइज करूंगा, तो ये मुझे एक्स प्लस 2 है ना और x माइनस 2 मिल जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस 4 को मैंने 2 का स्क्वायर लिख के ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला लगा लिया। और अब मैं क्या करूंगा वेवी कर्व मेथड के हिसाब से, सबसे फर्स्ट स्टेप जैसे कि आपको लास्ट क्लास में बताया था, सबसे पहले आप क्या करोगे फैक्टराइज करोगे। फैक्टराइज करने के बाद मेक श्योर द कोफिशियंट ऑफ एक्स इज ऑलवेज 1 है ना एंड पॉजिटिव, ठीक है। हम हमेशा कोशिश करते हैं x का जो कोफिशियंट है इट हैज टू बी 1 एंड पॉजिटिव, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, तब हम क्या वेवी कर्व प्रॉपरली लगा सकते हैं। तो अब यहां पे देखिए x के पास 1 है और पॉजिटिव है, 1 है और पॉजिटिव है। अब मैं लाइन खींचूंगा, जो इसमें पॉइंट्स मिल रहे हैं मैं उसे प्लॉट करूंगा, जैसे कि यहां पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल्स टू 2, तो मैंने यहां पे क्या किया 2 प्लॉट किया, यहां पे x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा मैंने यहां माइनस 2 प्लॉट किया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि यहां पे इक्वालिटी भी है तो मैं यहां पे इस सर्कल को क्या करूंगा शेड कर दूंगा, मतलब क्लोज इंटरवल है ना एंड नॉट ओपन इंटरवल। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज वेवी कर्व क्या कहता है कि आप प्लस साइन से स्टार्ट कीजिए, अल्टरनेट प्लस और माइनस लगाइए, लेकिन उसमें रूल था इवन ऑड का, अगर यहां पे पावर जैसे कि ऑड है यहां पे भी पावर ऑड है 1 एंड 1 तो क्या होगा साइन चेंज होगा, मतलब ये प्लस जो है नेक्स्ट इंटरवल में माइनस बनेगा, यही माइनस फिर नेक्स्ट इंटरवल में प्लस बनेगा, ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है। अगर कहीं पावर मुझे इवन मिल जाती तो वो साइन चेंज नहीं होता, इतना हमने समझा था। फिर मुझे हमेशा जो सबसे लास्ट में मेरे पास जो एक्सप्रेशन होता है उसका साइन देखना होता है, यहां पे मेरे पास ग्रेटर देन है, ओरिजिनल क्वेश्चन का साइन हम कभी नहीं देखेंगे, आप हमेशा जो सबसे लास्ट एक्सप्रेशन होता है जहां से आपने पॉइंट प्लॉट करना शुरू किया है उसके इन इक्वेशंस, उसका जो इन इक्वेशन वाला साइन है वो आप देखते हो और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हो, अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम पॉजिटिव इंटरवल्स लेंगे, अगर लेस देन या लेस देन इक्वल टू है तो हम नेगेटिव इंटरवल्स लेंगे। अब क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम पॉजिटिव इंटरवल, यानी दिस इज माय सॉल्यूशन सेट, ठीक है। दैट मींस यहां पे या तो 2 एंड इन्फिनिटी है ना, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी पे हमेशा हम सिंपल ब्रैकेट यानी कि ओपन ब्रैकेट और इस पे तो क्लोज आ जाएगा बिकॉज ये 2 को हम इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर -2 और -infinity, तो हम इसको अदर वे राउंड यानी कि -infinity से -2 ऐसे लिखेंगे, ये -2 इंक्लूड होगा लेकिन इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है कि या तो x जो है 2 से बड़ा है या फिर x जो है वो -2 से छोटा या इक्वल है। सो दिस इज द कंप्लीट आंसर और ये हमने वेवी कर्व से निकाला। यहां पे क्या है कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, तो ये हमने कंसेप्ट जो है प्रीवियस क्लास में समझा था, मैंने जस्ट आपको एक रिवीजन दिया। अब इसमें आगे कुछ क्वेश्चंस है जहां कई बार गलती हो जाती है, मैं बस वो बताता हूं। ऐसे तो जो रूल लास्ट क्लास में हमने समझा था कि वेवी कर्व निकालने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, तो वो एल्गोरिथम या जो वो रूल्स है वो बेसिकली सफिशियंट है कोई भी वेवी कर्व से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टराइज, ये ऑलरेडी हो रखा है, सारे एक्स के कोफिशियंट 1 होने चाहिए, बेसिकली 1 होने चाहिए, माना सारे एक्स को मैं इस तरफ लिखूं, मतलब पहले एक्स आए उसके बाद कोई भी नंबर आए, तो मैं अगर वैसे लिखता हूं तो देखिए इस 1 प्लस एक्स को x प्लस 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस
x प्लस थ्री को तो एज इट इज लिख देंगे क्योंकि x पहले है, यहाँ पे कोफिशियंट वन एंड पॉजिटिव, वन एंड पॉजिटिव। यहाँ पे देखिए ये, इसको अगर मैं फ्लिप करता हूं तो ये देखिए माइनस एक्स मेरे पास आ रहा है, प्रॉब्लम आ गई। मैं काम करता हूं यहां पे माइनस साइन कॉमन लेता हूं, तो माइनस साइन जब मैं कॉमन लूंगा तो ये तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये माइनस टू बन जाएगा, ठीक है, और ये एक्सप्रेशन मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिला हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, क्योंकि ये माइनस साइन यहां पे है और मुझे यहां पे माइनस साइन नहीं चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, इस तरफ कोई भी माइनस साइन नहीं होना चाहिए, तो सारे एक्स तो मेरे पॉजिटिव बन गया, कोफिशियंट वन बन गया। मैं इस वन माइनस साइन को क्या करूंगा, वहां शिफ्ट कर देता हूं बेसिकली पूरे, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि डिवाइडिंग दिस होल थिंग बाय माइनस वन। अब क्योंकि आप एक इनइक्वेशन को नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वेशन का साइन जो है फ्लिप होगा, तो ये हमें ध्यान रखना है, जब भी मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूं तो इनइक्वेशन का साइन फ्लिप हो जाता है, दैट मीन्स ये एक्स माइनस टू हो गया, ये आपका एक्स प्लस वन हो गया, ये एक्स प्लस थ्री हो गया, इनइक्वेशन फ्लिप हो गया, ठीक है, माइनस साइन हट गया। अब वीवी कर्व के हिसाब से हम लाइन खींचेंगे, हाँ मेरे पास टू है, मैं टू को प्लॉट कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज टू, अच्छा उसके बाद माइनस वन है, मैं माइनस वन को प्लॉट कर लेता हूं, उसके बाद मेरे पास माइनस थ्री है, मैं माइनस थ्री को प्लॉट कर लेता हूं। इसके बाद देखिए क्योंकि यहां पे इक्वालिटी है, मैं इनको क्या करूंगा, शेड कर दूंगा, क्लोज इंटरवल, फाइन। अब वेवी कर्व के रूल के हिसाब से हमें करना क्या है, प्लस उसके बाद टू किससे मिला था, मुझे इससे मिला था, इसकी पावर वन ऑड है तो यहां पे साइन चेंज, मतलब प्लस से माइनस बनेगा। माइनस वन किससे मिला था, इससे मिला था, इसकी पावर क्या है, वन ऑड है तो माइनस साइन यहां पे चेंज होके प्लस बन जाएगा। थ्री किससे मिला था, इससे मिला था, इसकी पावर भी क्या है, ऑड है, मतलब ये प्लस जो है आगे फिर से चेंज होके माइनस बन जाएगा। अब मुझे करना क्या था यहां पे, हाँ यहां पे मुझे इसका सोल्यूशन निकालना था। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया ओरिजिनल क्वेश्चन का जो इनइक्वालिटी का सिंबल था वो ग्रेटर देन था, और ग्रेटर देन के लिए तो रूल होता है आप पॉजिटिव इंटरवल्स देखोगे, लेकिन यहां पे मैंने आपको क्या बताया, हमेशा क्वेश्चन जब भी हम सॉल्व करते हैं तो सबसे लास्ट वाला जो एक्सप्रेशन मेरे पास बचता है जहां से मैं नंबर्स को प्लॉट करता हूं नंबर लाइन में, वहां पे मुझे इनइक्वेशन का सिंबल देखना होता है। यहां पे इनइक्वेशन मेरे पास क्योंकि लेस देन या लेस देन इक्वल टू है, मुझे नेगेटिव इंटरवल्स लेने हैं, दैट मींस इसका सॉल्यूशन माइनस वन एंड टू, और ये होगा क्लोज क्योंकि इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा हो जाएगा माइनस थ्री अप टिल माइनस इंफिनिटी, तो इसको तो इंक्लूड करेंगे, इंफिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता है, तो इसका यूनियन, ठीक है, दैट मींस अगर शेड भी करना है तो मैं ये पोर्शन शेड करूंगा एंड ये पोर्शन शेड करूंगा, तो ये हो जाएगा इस इनइक्वेशन का सॉल्यूशन, ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर माइनस साइन मुझे दिया हो तो मुझे क्या करना होता है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहां पे जैसे कि आपको ये एक्सप्रेशन दिया है लेस देन इक्वल टू जीरो, इसे वेवी कर्व से हमें सॉल्व करना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे कि ये फैक्टराइज तो ऑलरेडी करके दिया हुआ है, हमें सिर्फ यहां पे एक्स के कोफिशियंट को वन और पॉजिटिव बनाना है, तो इससे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पे माइनस थ्री यहां पे आ रहा है, ठीक है, तो मैं यहां माइनस थ्री अगर कॉमन लेता हूं, ठीक है, माइनस थ्री अगर कॉमन लेता हूं तो यहां पे देखिए वन अपॉन माइनस थ्री आ जाएगा और प्लस एक्स आ जाएगा, है ना, ये बात समझ में आ गई, क्योंकि कभी अगर हमें जैसे कोई चीज जबरदस्ती कॉमन लेनी होती है, मैं आपको कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन लेना होता है, लेट्स से ए प्लस बी है, मुझे यहां पे ए कॉमन लेना है, तो ए यहां पे कॉमन तो आ नहीं रहा क्योंकि इसके पास ए है नहीं, तो हम कैसे कॉमन लेते हैं, ए लिखेंगे। अब यहां पे तो ए कॉमन आ गया, ए वन जा ए वन आ गया, अब जिसके पास नहीं होता है हम उसके डिनोमिनेटर में वो चीज पुट कर देते हैं, बस यह है किसी चीज को कॉमन लेने का तरीका, अगर वो कॉमन नहीं भी है तो यहां पे क्योंकि माइनस थ्री कॉमन है नहीं, मुझे कॉमन लेना है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस थ्री कॉमन लूंगा, यहां पे क्योंकि माइनस थ्री कॉमन नहीं आ रहा मैं इसके नीचे पुट कर दूंगा, माइनस थ्री यहां पे कॉमन ले लिया तो मेरे पास सिर्फ एक्स बचा इनटू, अब देखिए यहां पे माइनस वन मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि एक्स का कोफिशियंट मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो ये एक्स माइनस टू बन जाएगा, हमने ऑर्डर चेंज कर दिया,
तो क्योंकि माइनस वन मैंने कॉमन लिया है वो मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक। इसको भी हम वन अपॉन माइनस थ्री प्लस एक्स के बजाय अदर वे राउंड यानी कि एक्स माइनस वन अपॉन थ्री ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स प्लस वन अपॉन माइनस थ्री आएगा जिसको हम एक्स माइनस वन अपॉन थ्री ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे मुझे क्या करना है, माइनस फोर कॉमन लेना है, तो माइनस फोर मैं यहां कॉमन लेता हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख लिया माइनस फोर, ठीक है। तो माइनस फोर कॉमन ले लिया तो यहां पे तो एक्स बच गया, अब यहां पे माइनस फोर कॉमन आ नहीं रहा है, माइनस साइन तो कॉमन आ गया, देखिए माइनस साइन इसके पास था तो माइनस साइन तो कॉमन आ गया, लेकिन फोर कॉमन नहीं आ रहा है तो मैंने फोर को इसके नीचे दे दिया। ध्यान रखना है अभी मैंने किसी भी साइन को दूसरी तरफ नहीं भेजा है तो इन इक्वेशन अभी चेंज नहीं होगा, मैंने इतनी चीजें कॉमन ले लिया। अब देखिए इनको मैं आपस में देखता हूं, मेरे पास माइनस है माइनस है माइनस है, तीन बार माइनस है यहां पे ना, आपको ये देखना चाहिए एकदम लॉजिकली मेरे पास कितने माइनस साइन आ रहे हैं। अगर ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन आ रहे हैं तो आप सिर्फ ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एज इट इज लिख के उस इन इक्वेशन को फ्लिप कीजिए, अगर इवन नंबर ऑफ माइनस साइन आ रहे हैं तो उसको फ्लिप मत कीजिए, सिंपल, ठीक है। अब यहां पे एक दो तीन, तीन माइनस साइन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन फ्लिप करना पड़ेगा, माना मैं सिर्फ एक्स माइनस वन अपॉन थ्री लिखूंगा, यहां पे एक्स माइनस टू लिखूंगा, एक्स प्लस फाइव अपॉन फोर लिखूंगा, इन इक्वेशन फ्लिप कर दूंगा। अब देखिए ये फ्लिप करने का कंसेप्ट यहां पे क्या है कि देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अब माइनस साइन उधर जाएगा ना, देखिए ये नंबर सब है इससे तो मैं डिवाइड करूंगा, नंबर से डिवाइड करने से क्या होता है, जीरो को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करो कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, यहां से वो नंबर सारा हट जाएगा, जैसे मैं थ्री से डिवाइड करूंगा थ्री हट जाएगा, फोर से डिवाइड करूंगा फोर हट जाएगा, वहां थ्री से डिवाइड करूंगा जीरो ही रहना है, फोर से डिवाइड करूंगा जीरो ही रहना है, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फर्क कहां पे पड़ा, सिर्फ माइनस साइन का, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ऑड नंबर ऑफ माइनस साइन है तो इन इक्वेशन बस फ्लिप होगा, बाकी कोई चेंज नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल रिजल्ट, है ना, मतलब वो एक्सप्रेशन सॉल्व करके मेरे पास जो मुझे स्टैंडर्ड एक फॉर्म में चाहिए था वीवी कर्व से पहले वाला, वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, नंबर लाइन में इनको प्लॉट करूंगा। अब देखिए यहां पे टू है मेरे पास तो मैं टू को प्लॉट कर लेता हूं, क्योंकि यहां पे इक्वालिटी नहीं है तो मैं इसको शेड नहीं करूंगा। अच्छा, फिर वन अपॉन थ्री है तो वन अपॉन थ्री मेरे पास यहां कहीं पे होना चाहिए सपोज, एंड माइनस फाइव बाय फोर दैट मीन्स यहां कहीं पे होना चाहिए। अब वेवी कर्व कहता है स्टार्ट विद अ प्लस साइन, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर, सबके पावर्स क्या है, ऑड है, तो अल्टरनेट प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ऐसे हो जाएगा। अब मैं ओरिजिनल क्वेश्चन के साइन को नहीं देखूंगा, मैं जो लास्ट एक्सप्रेशन है उसके साइन को देखूंगा, क्योंकि ये ग्रेटर देन था, मैं पॉजिटिव इंटरवल्स को लूंगा, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, या तो टू से लेके इंफिनिटी और ओपन होगा क्योंकि इक्वालिटी नहीं आ रहा, या तो फिर माइनस फाइव बाय फोर से लेके वन बाय थ्री, ठीक है। तो इसका और उसका यूनियन, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे हमें डिनोमिनेटर भी मिला है, ठीक है ना, अभी तक हम सिर्फ एक न्यूमरेटर में ही जैसे कि कोई फंक्शन ले रहे थे और उसको वेवी कर्व से सॉल्व कर रहे थे, यहां पे हमें डिनोमिनेटर में भी कुछ दिया हुआ। अब देखिए डिनोमिनेटर आने से चेंज क्या हो रहा है, अब क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है मैं इसको डायरेक्टली नंबर लाइन में प्लॉट कर सकता हूं, बिकॉज एक्स हैज अ कोफिशिएंट ऑफ वन विद अ पॉजिटिव साइन, तो मैं अगर नंबर लाइन बनाता हूं तो बेसिकली मेरे पास वन टू एंड थ्री प्लॉट होंगे, ये वन हो जाएगा, ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, तो मैंने जैसे कि वन प्लॉट किया, लेट्स से टू प्लॉट किया एंड लेट्स से थ्री प्लॉट किया, ठीक है। अब क्योंकि यहां पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो आपको क्या बताया कि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो हम इसको जनरली शेड करेंगे। अब उसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसके एक्सेप्शन क्या होते हैं, देखिए ऐसे तो मुझे बोला गया है कि अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो शेड करना चाहिए, लेकिन मैं इस थ्री को शेड नहीं करूंगा। अब इसको मैं क्यों नहीं करूंगा, जैसे कि इसको इसको शेड किया, अब अगर मैं सिर्फ इतना समझूं कि हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है मुझे सबको शेड करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने इसको शेड नहीं किया, ऐसा क्यों? तो देखिए उसको हम समझते हैं यहां पे ऐसे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अब यहां पे डिस्पाइट द फैक्ट कि यहां पे सिर्फ अगर सिर्फ ग्रेटर देन होता या ग्रेटर देन इक्वल टू होता,
लेस देन होता या लेस देन इक्वल टू होता, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे यहां पे क्या करना है कि कभी भी फ्रैक्शन अगर मुझे मिलता है तो कभी भी सबसे पहला काम डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, सबसे पहला काम डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x माइनस थ्री नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब x नॉट इक्वल टू थ्री, मतलब x अगर थ्री नहीं है तो ये क्या हो गया, ओपन इंटरवल हो गया, इसको हम शेड कर ही नहीं सकते, ठीक है, एंड ऑफ द स्टोरी। अब ये हो गया वन टू एंड थ्री, बाकी क्योंकि इक्वालिटी है न्यूमरेटर में हम सबको जो है इक्वल 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 कर देते हैं। अब यहां पे बेबी कर्व प्लस किया, ऑल्टरनेट माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अब तो समझ में आ गया सब, ऑड 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 है तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस होते रहेगा। अब क्योंकि ग्रेटर देन है तो मैं क्या करूंगा, प्लस वाले इंटरवल, मतलब ये वाला इंटरवल लेना है और ये वाला इंटरवल लेना है, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन एंड टू, यहां पे तो ये ब्रैकेट होगा, यूनियन थ्री से लेके इंफिनिटी जब होगा, थ्री को मैं क्या करूंगा, एक्सक्लूड करूंगा, थ्री को मैं नहीं ले सकता। और क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं डिनोमिनेटर में, हम देखें जो रूल्स आपको बताए थे वो रूल्स हमेशा मुझे ध्यान में रखने हैं। राइट हैंड साइड इसका जीरो है, यहाँ पे जितने भी एक्स के कोफिशियंट है मुझे वन करने हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी वैसे फॉर्म करके दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करना है वेवी कर्व से, तो एक रूल और उसमें ऐड कर लीजिए कि हमेशा अगर मुझे फ्रैक्शन मिलता है तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर कब कब जीरो हो रहा है वो आप नंबर लाइन में प्लॉट करके उसको पहले आप ओपन ब्रैकेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं नंबर लाइन बनाता हूं और देखिए डिनोमिनेटर जो है जीरो बनता है या तो x इज इक्वल टू टू पे, है ना, x माइनस टू अगर जीरो बनाता हूं तो x इज इक्वल टू टू मिलेगा। तो मैं यहां पे कहीं पे टू अगर प्लॉट करता हूं तो उसको मैंने सबसे पहले क्या करना है, ओपन कर लेना है। नेक्स्ट है x प्लस थ्री, अब क्योंकि डिनोमिनेटर को हम मैंने बोला जहां जहां डिनोमिनेटर में जीरो होगा उसको आप ओपन कीजिए, तो x इज इक्वल टू थ्री सॉरी माइनस थ्री, तो यहां कहीं पे मैंने क्या किया, माइनस थ्री प्लॉट किया, लेट्स से दिस इज माइनस थ्री, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। जबकि यहां इक्वालिटी है, इक्वालिटी हो या ना हो, लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल कुछ भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर कभी भी क्लोज नहीं होगा, ठीक है, कभी भी इसको हम इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते। अब मैं न्यूमिनेटर में आता हूं, x माइनस वन यानी कि x इज इक्वल टू वन हो जाएगा, वो यहां कहीं पे होगा लेट्स से, ठीक है, इसको हम क्लोज कर सकते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं, ठीक है ना, शेड कर लेते हैं। अच्छा x प्लस वन यानी माइनस वन, तो माइनस वन यहां कहीं पे होगा, इसको भी हम शेड कर लेते हैं। अच्छा x माइनस फाइव यानी x इज इक्वल टू फाइव, तो फाइव यहां कहीं पे होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको भी शेड कर लेते हैं, ये हो गया। अब वेवी कर्व का रूल, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड इज ऑलवेज प्लस, उसके बाद ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाना है, मुझे देखना है ये फाइव मुझे कहां से मिला, फाइव मुझे यहां से मिला है, ठीक है ना, ये फाइव मुझे कहां से मिला है, इस ब्रैकेट से मिला है, इसकी पावर क्या है, फाइव, ऑड या इवन, ऑड, ऑड में क्या होता है, साइन चेंज होता है, मतलब प्लस जो है माइनस बनेगा। अच्छा अब ये टू, ये टू मुझे कहां से मिला है, टू मुझे यहां से मिला है, यहां पे पावर क्या है, ऑड, ऑड मतलब साइन चेंज होता है, तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। अच्छा उसके बाद है मेरे पास नेक्स्ट नंबर वन, वन मुझे कहां से मिला, वन मुझे यहां से मिला, इसकी पावर क्या है, ऑड, ऑड माना ये जो प्लस है वो क्या बनेगा, फिर माइनस बनेगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट हमें क्या देखना था, माइनस वन देखना था। अच्छा माइनस वन मुझे कहां से मिला है ये हम देखते हैं, तो माइनस वन मुझे इस ब्रैकेट से मिला है, इसका पावर इवन है, इवन मतलब साइन चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिए इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ये माइनस यहां पे आके माइनस ही रहेगा, ठीक है, ये गलती हमें नहीं करनी है, इवन में साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस थ्री मुझे कहां से मिला, यहां से मिला, इसकी पावर क्या है, ऑड है, ऑड है तो ये माइनस यहां पे प्लस बन जाएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद मुझे देखना है यहां पे जो ये सिंबल है लेस देन, तो लेस देन माना मैं नेगेटिव इंटरवल्स लूंगा, तो मुझे एक तो ये इंटरवल मिल गया, इसको चाहे तो आप शेड कर लीजिए, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, ठीक है। तो मेरे पास बेसिकली एक तो है टू से लेके फाइव, फाइव इंक्लूड होगा, टू इंक्लूड नहीं होगा। देन यहां पे देखने वाली बात है कि देखिए माइनस थ्री से लेके वन है, माइनस थ्री से माइनस वन, फिर माइनस वन से लेके वन, लेकिन माइनस वन इंक्लूडेड है,
माइनस वन इंक्लूडेड है, तो इसको मैं डायरेक्टली माइनस थ्री से लेके वन, वन इंक्लूड हो रहा है ऐसे लिख लेंगे, माइनस थ्री इंक्लूड नहीं हो रहा है ऐसे लिख लेंगे, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मान लीजिए कि ये माइनस वन अगर इंक्लूड नहीं हो रहा होता, सपोज, ठीक है, सपोज ये माइनस वन मान लीजिए डिनोमिनेटर में होता या वट एवर, माइनस वन अगर इंक्लूड नहीं हो रहा होता, ठीक है, और मुझे ये सिचुएशन मिलती, ठीक है, हमारा आंसर तो ये है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि अगर ये इंक्लूड नहीं होता तो इसको हम कैसे लिखते हैं। मुझे इंटरवल तो ये सारा लिखना है माइनस थ्री से लेके वन, ठीक है, ये इंक्लूड नहीं हो, इंक्लूड हो रहा है तो ऐसे लिखूंगा, इंक्लूड नहीं हो रहा है तो ऐसे लिखूंगा, मुझे इसके बीच से इस माइनस वन को हटाना है तो मैं माइनस करके विद इन ब्रैकेट्स माइनस वन ऐसे लिख सकता हूं। इस ये सिचुएशन अगर मेरे पास आती तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, या फिर दूसरा तरीका माइनस थ्री से माइनस वन, ठीक है, फिर माइनस वन से लेके वन यूनियन करके, या तो ऐसे लिख लीजिए या तो ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। तो जस्ट ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो ये दो वीडियोस में मैंने आपको जो है वेवी कर्व का जो टेक्निक है, मैंने सिर्फ बेसिक टेक्निक बताया, इसमें और क्वेश्चंस हम अभी कवर नहीं कर रहे हैं। इसमें देखिए कई चीजें हो सकती हैं, लाइक आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इंस्टेड ऑफ जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, ये क्वेश्चन हमने अभी लिया था, इसको लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर दो। अब क्या होगा कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ गया, अब कई जगह पे इसमें क्या करेंगे, वो x की जगह कुछ और डाल देंगे, लेट्स से मॉड x, हो सकता है आपको ऐसे बोल दे मॉड x माइनस वन, मॉड x माइनस टू, वट एवर, है ना, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, अब आप जो है उसका इंटरवल निकालिए, या फिर आपको यहां पे हो सकता है x की जगह कुछ और साइन x या कॉस x ऐसे कुछ डाल दें, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम जैसे जैसे फंक्शंस में आपको पढ़ाते जाऊंगा और फंक्शन में जहां ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे वहां पे मैं आपको बताते जाऊंगा कि जैसे साइन है तो उसकी रिस्पेक्टिव डोमेन क्या है, उस हिसाब से हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो ये कई जगह पे यूज होता है वेवी कर्व मेथड, इसलिए ये जस्ट बेसिकली आपको अलग से जो है ये बताया वेवी कर्व, है ना, ये ट्वेल्थ में जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वहां पे यूज होते हैं, फंक्शंस में आपको किसी के डोमेन या रेंज निकालनी है वहां पे यूज होता है इलेवेंथ और ट्वेल्थ में, और भी कई जगह यूज होते हैं।